एक तरीके से देश की का ही भला हो रहा, जीडीपी हर तरीके से इकोनॉमी वाइज सोशल वाइज हर तरीके से गुरुजी से फायदा ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल पे जहाँ पर आपको सच्चाई से रूबरू करवाया जाता है। और आज हम आप पहुँचे हैं डेरा सच्चा सौदा बरनावा, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो गुरुजी के शिष्य हैं, जो गुरुजी के फॉलोअर हैं, जो गुरुजी के मुरीद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम हरि प्रसाद इंसा है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी बताइए सर कि आपका मतलब यहाँ पर इतना रुझान क्या है, क्यों, क्या कारण है? गुरुजी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और डेरा सच्चा सौदा में सब कुछ है। आप आध्यात्मिक ज्ञान भी है, एक्सरसाइज भी है, स्वास्थ्य भी है, स्कूल भी है, हर तरह की शिक्षा है। इसीलिए डेरा सच्चा सौदा अपने में पूरी तरह संपूर्ण है। हम सब संविधान से जुड़े हुए हैं और माननीय अदालत का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष है। उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सब एक साजिश है, तो बिल्कुल जो है गुरुजी जो है हमारे बिल्कुल निष्पक्ष है। उन पर जो है आरोप जो है एक साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। जी एक एक इंसान जो इतने सारे कार्य करता है, वो ब्लड डोनेट भी करवाता है, वैश्याओं की शादी भी करवाता है, नशा मुक्ति भी करवाता है, इतने लाखों मतलब उसके अनुयायी कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी उनका भला कौन उनका दुश्मन होगा? आप कह रहे हैं कि साजिश रची गई है, तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनका भला दुश्मन कौन होगा? हाँ, जिनके जो गलत धंधे कर रहे थे, जो माफिया लोग थे, उन पे असर पड़ा। शराब है, मुँह माफिया है, नशा मुक्ति वाले हैं, तो ये जो नशा जो करा रहे थे उन सब के रोजगारों पर, उनके जो थे पैसे थे उन पर असर पड़ा और वो माफिया का पूरा गुरुजी के पीछे पड़ गया, तो वो साजिश के तहत गुरुजी को फंसाया जा रहा है। होते थे सफाई अभियान में जाते थे, बहुत जगह हमने सफाई अभियान अटेंड किए हैं, उससे हमें ये शिक्षा मिली है कि हम घर पर आसपास मोहल्ले में कहीं भी हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, जिससे हम बीमारियाँ कम हो। अधिकतर देखा जाता है जो हम बीमार पड़ते हैं वो खुद के कारणों से होते हैं। आसपास हम गंदगी रखते हैं, ढंग से सफाई नहीं करते, हाथ नहीं साफ नहीं करते, तो उन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिली कि हम आसपास के मोहल्ले में दूसरों को शिक्षा दें भाई कचरा जो है कचरादान में डालना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण और गंदगी बीमारियाँ ना फैलें। गुरुजी ने कब चलाया इसको? ये 2011 दिल्ली में शुरुआत हुई थी, इसकी सफाई अभियान पहले कराया था। उसके बाद सरकार ने, अच्छी बात है, सरकार उस चीज़ों को फॉलो कर रही है जो गुरुजी के द्वारा अच्छी चीज़ें हैं, तो इससे भी आप देख सकते हो कि गुरुजी कहीं भी गलत नहीं है, वो हमेशा अच्छी सच्ची शिक्षा देते हैं और अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, इससे देश का भला हो, देश की उन्नति के लिए हाथ बटा रहे हैं। इसे खूनदान है, सफाई अभियान है, एक तरीके से देश की का ही भला हो रहा, जीडीपी हर तरीके से इकोनॉमी वाइज सोशल वाइज हर तरीके से गुरुजी से फायदा ही करते हैं, नुकसान कहीं भी नहीं है। मुझे पता है कि विश्वास है सच की एक दिन जरूर जीत होगी और गुरुजी जल्दी जवाब हमारे सामने बीच आएंगे। जी तो ये हमारे साथ मौजूद थे जो डेरे के समर्थक हैं, जो गुरुजी के फॉलोअर हैं, उनके मुरीद हैं। उन्होंने बताया कि जो गुरुजी जो कार्य कराते थे और करा रहे हैं आज भी, तो वो उनको पूरा करते हैं। और सफाई अभियान के बारे में उन्होंने बताया, शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया, गुरुजी के बारे में, निर्दोषता के बारे में बताया कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और क्यों निर्दोष हैं ये भी बताया आपने, क्योंकि इनका कहना है कि साजिश करता है कुछ, जैसे नशा के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते हैं तो उन्होंने इनको दबाया है। चीज़ें हैं ये इनके जो फॉलोअर हैं उनका कहना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातें की, धन्यवाद।